एवरीवन, वेलकम टू मिस केमिस्ट्री। तो देखो, इस वीडियो में मैं आपको स्टार्ट करवाने वाली हूँ रिएजेंट। ठीक है, ये वीडियो है जो फर्स्ट वीडियो है रिएजेंट की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साथ में बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। तो देखो, ये वीडियो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ DDQ की, और इस DDQ का पूरा वर्क समझने के लिए कि क्या काम करता है, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखोगे तभी समझ में आएगी। ठीक है, तो इसमें देखो मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ DDQ। पहले देखते हैं जो DDQ का जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है। जो DDQ का स्ट्रक्चर है देखो ये है। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे साइनाइड, और यहाँ पे भी साइनाइड। ठीक है, तो देखो इसका जो नेम होता है कैसे देंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 2, 3 डाइक्लोरो, 2, 3 डाइक्लोरो, 5, 6 डाइसाइनो। ठीक है, इसको हम ऐसे नेमिंग देते हैं। और देखो ये है जो येलो कलर का सॉलिड होता है। ठीक है, येलो कलर का सॉलिड है और ये नॉन टॉक्सिक है। ठीक है, और जो ये रिएजेंट है ये किसमें, ये क्या है, नॉन टॉक्सिक है, और ये जो रिएजेंट है ईजिली सॉल्यूबल हो जाता है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ठीक है, ये तो हमने इसकी देखो जनरल बातें पढ़ ली, बट मेन ये है कि DDQ काम क्या करता है। तो जो DDQ होता है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डीहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट। देखो आपको पता ही होगा डीहाइड्रोजिनेटिंग का क्या मतलब है। डीहाइड्रोजिनेटिंग का मतलब होता है कि हमें रिमूव क्या करवाना है। ठीक है, डी का मतलब निकालना, ठीक है, हाइड्रोजिनेटिंग का मतलब H2, मतलब यहाँ से हमें H2 रिमूव करवाना है। ठीक है, यहाँ से हमें H2 रिमूव करवाना है, दैट मीन्स यहाँ से दो हाइड्रोजन्स हमें बाहर निकालने हैं। ठीक है, डीहाइड्रोजिनेटिंग काम करता है, मतलब H2 निकालेगा। बट ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको DDQ ही दिया है तभी ये डीहाइड्रोजिनेटिंग करवाएगा यानी H2 निकालेगा। तो इसमें क्या है, काफ़ी जो ऐसे होते हैं अदर्स भी DDQ को छोड़ के डिहाइड्रोजिनेटिंग ऐसा काम करते हैं, वो मैं आपको लिस्ट बता देती हूँ कि कौन से डिहाइड्रोजिनेटिंग होते हैं। तो देखो पहला होता है प्लेटिनम कार्बन, दूसरा सल्फर, सेलेनियम और क्लोरीनी। ठीक है, जो मेन है जो यही पूछे जाते हैं आपसे, सबसे इंपॉर्टेंट तो देखो यही है। DDQ लिख कर आता है ऐसे, अगर आपको ये नहीं भी देते ये भी दे सकते हैं आपको। ठीक है, आपको काम यही करवाना है। क्लोरीनी का जो स्ट्रक्चर होगा देखो आपको पहचानना कैसे, आपको नेम नहीं देगा वो, आपको स्ट्रक्चर बना के देगा हमेशा। तो स्ट्रक्चर इसका होता है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर होगा क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पर होगा साइनाइड, यहाँ पे होगा साइनाइड। ठीक है, तो ये डीहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट है, ये क्या निकालता है, H2, और इनका काम भी यही होता है। अगर DDQ दिया है तो भी आपको यही काम करना, अगर ये दिए हैं तो भी आपको यही काम करना है। ठीक है, तो देखो अब आपको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ कि हमें, मैं इसको डीहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट कैसे बोल रही हूँ, या मैं इसको यहाँ से जो दो हाइड्रोजन है कैसे निकालूंगी। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला है कि जो हाइड्रोजन होता है वो विदाउट बॉन्ड जाता है, लेकिन DDQ में क्या होता है, जो दो हाइड्रोजन निकलने होते हैं, एक हाइड्रोजन तो क्या जाएगा, एक हाइड्रोजन विद बॉन्ड जाता है इसमें। ठीक है, विद बॉन्ड जाता है, और एक हाइड्रोजन क्या जाएगा, विदाउट बॉन्ड। ठीक है, विदाउट बॉन्ड। ठीक है, इसमें दोनों हाइड्रोजन से एक तो जाएगा विद बॉन्ड, एक जाएगा विदाउट बॉन्ड, मतलब एक तो जाएगा माइनस एच से, एक जाएगा प्लस एच से। ऐसे मैंने आपको सिंबल दे दिया कि ऐसे निकलते हैं, दैट मीन्स ये तो बॉन्ड लेके निकलेगा और ये विदाउट बॉन्ड जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देती हूँ कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ आपसे। देखो पहले हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इस पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया, DDQ डाल दिया। यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, DDQ डाल दिया। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, यहाँ से H2 रिमूव करवाना है। मुझे तो पता है मुझे H2 रिमूव करवाना, लेकिन करवाना कहाँ से है, करवाना ये देखो जो ये क्या करता है, ये रिडक्शन करता है फ्रॉम एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजिशन से। मतलब ये जो हाइड्रोजन, ये H2 का जो रिमूवल होता है, कहाँ से निकालते हैं, ये निकालेगा या तो एलाइलिक पोजीशन से या फिर बेंजाइलिक पोजीशन से। तो एलाइलिक पोजीशन मैं आपको बता देती हूँ। देखो जो एलाइलिक पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, ये जो डबल बॉन्ड के साथ वाली जो कार्बन होती है। ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ वाली जो कार्बन होती है उसको बोला जाता है उसकी एलाइलिक पोजीशन।
ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसके एराइलिक पोजीशन। और यहाँ से मुझे क्या निकालना है, H2 निकालना है, मतलब मैंने आपको बोल दिया कि एक हाइड्रोजन जाएगा विद बॉन्ड, एक जाएगा विदाउट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैंने क्या निकाला, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करवाया, जब ये हाइड्रोजन मैंने क्या सपोज किया, जो हाइड्रोजन है ये क्या गया है विद बॉन्ड, ठीक है, ये बॉन्ड लेके गया है, तो जिसके कारण इस कार्बन पर क्या आ गई, डेफिशिएंसी आ गई। डेफिशिएंसी आने के कारण तो जो ये स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये स्ट्रक्चर कौन क्या बनेगा, देखो यहाँ पर तो आएगा पॉजिटिव और यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले ही बढ़ा है, ठीक है। तो दो हाइड्रोजन निकालने हैं मुझे, एक मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया विद बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा हाइड्रोजन मुझे निकालना है विदाउट बॉन्ड, तो ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, वो हाइड्रोजन विदाउट बॉन्ड जाएगा, तो अपना बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर देख कर जाएगा। तो देखो स्ट्रक्चर क्या बनती है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बन जाता है, ठीक है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनता है इसका। तो ये जो फाइनल हमारा रिजल्ट निकल के आता है ये आता है, तो ऐसे मतलब इसकी जो मैकेनिज्म है मैं आपको वो डिस्कस करवाते हैं। देखो इसका जो मैकेनिज्म है वो कैसे आएगा, हमें क्या है निकालना, तो यही है ना, यहाँ पर क्या है मेरा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, मेरा यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो अब मैं DDQ का जो ये फॉर्मूला है वो लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर DDQ डाला था, अब मैं यहाँ पर एज अ फॉर्मूला लिख रही हूँ इसको, देखो यही था ना, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पे साइनाइड, यहाँ पर साइनाइड, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो ये हाइड्रोजन होगा, जो ये हाइड्रोजन क्या है विद बॉन्ड जाता है, तो ये अगर ये बॉन्ड लेके गया इस ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट किया, और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया, और इस पर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज। जब इस पर नेगेटिव चार्ज आया तो देखो कैसे बनता है, ये इस ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव, आपको समझ में आ रहा है, इस ऑक्सीजन पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इस ऑक्सीजन पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, एक बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, एक यहाँ था, ठीक है, यहाँ इस पर क्या आ गया OH, ठीक है, इस पर क्या आ गया OH, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इस हाइड्रोजन का, ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर साइनाइड, और यहाँ पर साइनाइड। अब जो ये नेगेटिव चार्ज है इसका ये किस से बैलेंस होगा, इस हाइड्रोजन से, क्योंकि एक हाइड्रोजन मुझे क्या निकालना है, विदाउट बॉन्ड जाएगा, मतलब H पॉजिटिव जाएगा यहाँ से, तो जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, दैट मीन्स जो ऑक्सीजन नेगेटिव था वो इस पर अटैक करेगा, इसको ले जाएगा अपने साथ, तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर जाता है, यहाँ पर, ठीक है। जब यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो क्या बनेगा, ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये उतारिए आप, इसके एग्जांपल्स मैं और भी करवाती हूँ आपको, पहले इसको उतार लीजिए। तो देखो इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो जो DDQ है, अब जो एक DDQ होता है, अगर आपको एक, यहाँ पे मैंने दो इक्विवेलेंट DDQ लिखे हैं, यहाँ पे भी मैंने दो इक्विवेलेंट DDQ लिखे हैं। तो देखो अगर जहाँ पर वन इक्विवेलेंट DDQ लिखा होगा, ठीक है, वन इक्विवेलेंट DDQ लिखा होगा, दैट मीन्स वहाँ पे आपको क्या निकालना है, एक ही H2 रिमूव करवाना है, ठीक है, एक H2 आपको रिमूव करवाना है। अगर दो इक्विवेलेंट और यहाँ पे क्या होगा, एक पाई बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है, एक पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अगर दो इक्विवेलेंट DDQ लिखा है, अगर दो इक्विवेलेंट DDQ लिखा है, तो वहाँ पर क्या होगा, दो H2 निकलेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, दो H2 निकलेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके दो पाई बॉन्ड जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। अगर एंड सो ऑन, अगर आपने आपके पास थ्री इक्विवेलेंट DDQ है, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड जनरेट होंगे, थ्री पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, आपको बस ये देखना आना चाहिए कि कहाँ से पहले तो जो H2 है कहाँ से निकलेगा, ये मैंने आपको बता दिया H2 कहाँ से निकलता है, ऑक्सीडाइज कहाँ से करता है, वो या तो एलाइलिक पोजीशन से या फिर बेंजाइलिक पोजीशन से। तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम ये दोनों एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। तो अब देखो जो DDQ है कहाँ से निकालता है, जो कौन से जो कंपाउंड है इसमें, ठीक है, ऑक्सीडाइज होंगे विद DDQ, तो इसमें देखो ये होगा, ये क्या है, जो ये बॉन्ड दिया है हमें, ये क्या है इसकी एलाइलिक पोजीशन, ये दोनों क्या है, यहाँ से भी H2 रिमूव हो सकता है, यहाँ से भी H2 रिमूव हो सकता है, दैट मीन्स यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा है, ये हाइड्रोजन क्या जाएगा, अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज,
ठीक है, एक हाइड्रोजन निकल गया, दूसरा हाइड्रोजन मुझे क्या निकालना है, विदाउट बॉन्ड। तो अगर ये वाला हाइड्रोजन विदाउट बॉन्ड जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर भी सेम कंडीशन बन सकती है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ये क्या जाएगा विद बॉन्ड जाएगा, इस पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो ये हाइड्रोजन होगा यहाँ पर ये क्या जाएगा विदाउट बॉन्ड, तो ये बॉन्ड अपना यहाँ पर शिफ्ट कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे कोई यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर बनेगी, दैट मीन्स जो ये स्ट्रक्चर है ये ऑक्सीडाइज होगी विद DDQ। ठीक है, तो आपको इसको टिक करना है, समझ में आई। अब इसके बाद देखो जो ये है, ये आपको कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें देखो ये ऑक्सीडाइज होगा DDQ के साथ कि नहीं होगा, आपको ये बताना है। अगर होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें देखो ये होगा, तो ये किस लिए होगा, क्योंकि ये भी क्या है, इसके एलाइलिक पोजीशन है, एलाइलिक पोजीशन से मैंने क्या बोला है आपको H2 रिमूव करवाना है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा है आपके पास, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा है, ये विद बॉन्ड जाएगा, तो इसके का इस पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है इसको बॉन्ड दे जाएगा, तो यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया है अभी, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, तो एक पाई बॉन्ड जनरेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर कोई भी ऐसी कोई पोजिशन नहीं बन रही है, ना तो एलाइलिक पोजिशन बन रही है आपके, ना कोई भी बंजालिक पोजिशन बन रही, तो यहाँ पर ऐसे कुछ भी नहीं होगा। तो दैट मीन्स ये दोनों मेरे टिक हो गए और ये टिक नहीं हुआ। उसके बाद ये वाली एग्जांपल बताओ आप, इसमें होगा या नहीं होगा, ऑक्सीडाइज होगा ये कंपाउंड DDQ के साथ, ये नहीं होगा, इसमें भी कोई भी एलाइलिक पोजीशन नहीं है, ना कोई बेंजाइलिक पोजीशन है, तो इसके कारण भी ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर देखो, ये क्या बन रहा है आपका, एलाइलिक भी बन रहा है और ये आपका बेंजाइलिक भी बन रहा है, दैट मीन्स ये भी क्या ऑक्सीडाइज होगा विद DDQ। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम एग्जाम्पल्स। इसमें मैंने आपको बता दिया कि कौन से कंपाउंड्स हैं जो ऑक्सीडाइज होंगे आपके DDQ के साथ। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझा दिया है, आप आराम से ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। मैंने आपको देखो इसका कंसेप्ट बता दिया, अगर आपको एक इक्विवेलेंट DDQ दिया होगा तो एक पाई बॉन्ड जनरेट करना है आपको, अगर दो इक्विवेलेंट DDQ दिया है तो आपको दो पाई बॉन्ड जनरेट करने हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको दो इक्विवेलेंट DDQ दिया है तो आपको क्या करोगे, देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया है, ये सेम ही लगेगा यहाँ पर भी, ये देखो ये क्या है इसके एलाइलिक पोजीशन, ये क्या है इसके एलाइलिक पोजीशन। ठीक है, तो मुझे क्या है दो इक्विवेलेंट DDQ, अगर मैं पहले एक इक्विवेलेंट DDQ की बात करती हूँ, तो सपोज़ मैं ऊपर वाले की बात करती हूँ, जो जैसे भी कर सकते हो इसकी इस पहले यहाँ से निकालना चाहते हो तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, ऊपर वाले से भी निकाल सकते हो, सेम ही बात है। देखो मैं अगर ऊपर वाले की बात करती हूँ पहले, क्योंकि यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो ये वाला हाइड्रोजन क्या जाएगा विद बॉन्ड जाएगा, तो जिस अगर ये यहाँ से निकल जाता है तो यहाँ पर क्या आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन का बॉन्ड हो गया यहाँ पर क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहीं था। उसके बाद एक इक्विवेलेंट DDQ तो हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद कौन एक और बच गया इक्विवेलेंट DDQ, एक और बचा है तो इसकी पोजीशन ये भी एलाइलिक बन रही है और ये भी एलाइलिक बन रही है, तो आप यहाँ से भी सेम प्रोसीजर लगा सकते हो, यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और इसके बाद ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो उसके बाद आपका जो फाइनल स्ट्रक्चर है ये बनता है। ठीक है, आपका फाइनल प्रोडक्ट ये आएगा। उसके बाद ये जो एग्जांपल है सेम ही है, बिल्कुल सेम है, इस पर भी आपकी जो एलाइलिक पोजीशन है ये बन रही है, सेकंड ये बन रही है। ठीक है, दो इक्विवेलेंट DDQ दिया है, पहले आप यहाँ से निकालें फिर आप यहाँ से निकालें, तो सारा मैंने बता दिया, आप खुद से इसका जो मैकेनिज्म है करके देखिएगा। ठीक है, मैं आपको सीधा आंसर बता रही हूँ इसका, तो इसका आंसर है जो ये इसका जो प्रोडक्ट है ये आएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसके DDQ की जो एप्लीकेशंस है वो देख लेते हैं, इसका कंसेप्ट मैंने आपको सारा बता दिया है, उसके बाद जो एप्लीकेशंस हैं इसकी वो देखते हैं, पहले ये उतारिए। तो देखिए अब डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ DDQ, हम आपको पढ़ाती हूँ कि एप्लीकेशंस कौन सी हैं DDQ में। देखो जो ऐसे एग्ज़ाम्स हैं, नेट के एग्ज़ाम हैं या गेट का एग्ज़ाम है, इसमें क्या है एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको DDQ का पहले तो कंसेप्ट पता होना चाहिए, उसके बाद इसके एप्लीकेशंस भी पता होना चाहिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड ही आते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके एप्लीकेशन क्या है और एप्लीकेशन पर हम DDQ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पर एप्लीकेशन मैं आपको बता देती हूँ, पहले कौन सी है, डिहाइड्रोजिनेटिव। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ ली है, फिर सेकंड है डिहाइड्रोजिनेटिव साइक्लाइजेशन। ठीक है, करना सेम चीज़ है पर यहाँ पे साइक्लिंग रिंग बनानी है हमें। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद इंसर्शन ऑफ
ऑक्सीजन, उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसमें से हम ये चार जो चार हैं जो ये सॉरी पांच है, पांच एप्लीकेशन हम डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, सेम चीज़ है इसमें, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाई है अभी, ठीक है। कोई भी एग्जांपल आपको दे के पूछ सकता है DDQ, बस आपको ये देखना है कि आपको ये देखना आना चाहिए कि एलाइलिक पोजीशन कौन सी है और बेंजाइलिक पोजीशन कौन सी है, और वहाँ से आपको हाइड्रोजन रिमूव करवाना है, H2 रिमूव करवाना है। हम ये वाला डिस्कस करते हैं, डिहाइड्रोजनेटिव साइक्लाइजेशन। पहले अपनी जो कॉपी पर अपनी ये एप्लीकेशन नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो हम ये पढ़ते हैं, देखो, ठीक है, आपको ये दिया है वो कंपाउंड, तो इसमें आपको क्या दिया है, DDQ, और आपको एक सॉल्वेंट डाल दिया, ठीक है। सॉल्वेंट में DDQ है, मैंने आपको बोला था ना, क्योंकि सॉल्वेंट में DDQ क्या है, सोलूबल हो सकता है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। तो इसमें देखो, आपको मैंने आपको क्या बोला है, यहाँ पर H2 रिमूव करवाना है आपको। तो देखो, ये कार्बन है 1, 2, 3, ठीक है। एक वैलेंसी किसके साथ बैलेंस है, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ इसकी जो वैलेंसी है। उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किया, हाइड्रोजन रिमूव करने से हमारी क्या कंडीशन बन गई, देखो ये जो कंडीशन बनी है वो क्या है, यहाँ पे फिनाइल, यहाँ पे फिनाइल, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये कंडीशन बन गई आपके पास, ठीक है। और ये क्या है, आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया, और ये आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, एडिशन हो गई न्यूक्लियोफाइल की किस पर, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। तो जब एडिशन हो गया तो ये क्या बनेगा, देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगा इस पर, ये बनेगा कुछ फिनाइल रिंग ऐसे लगा है, ये ऐसे लगा है, ठीक है, कुछ इस टाइप से बनेगी। और ये जहाँ से ये बॉन्ड गया है इस पर आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये देखो कितनी मेंबर बनी है, 1, 2, 3, 4, 5, ये कितनी मेंबर बनी है, 5 मेंबर रिंग बनी है आपकी। अब ये देखो यहाँ पर हाइड्रोजन आपका अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन अवेलेबल है, क्योंकि मैंने मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे H2 निकालना है। एक मैंने यहाँ पे यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, वो तो क्या गया था, विद बॉन्ड गया था, तो इसलिए यहाँ पर क्या आया था पॉजिटिव, और क्या रह गया मेरा, विदाउट बॉन्ड निकालना रह गया हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, यहाँ पर जो ये वाला हाइड्रोजन होगा, ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर देगा, ये विदाउट बॉन्ड जाएगा। तो जब ये विदाउट बॉन्ड जाता है, तो देखो मैं यही कर रही हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, बैलेंस हो जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया DDQ का वर्क, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल थी साइक्लाइजेशन की, ठीक है। अब मैं आपको करवाते हैं क्वासी एरोमेटिक की, आप ये उतार लीजिए पहले, तो देखिए हम पढ़ते हैं थर्ड एप्लीकेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में मैंने आपको बता दिया है, एरोमेटिक सिटी जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बताया था कि क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। तो देखो इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ, जो DDQ और HCl इसका काम आपको वही करना है, इसमें सेम चीज़, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपके पास हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो यहाँ पर क्या है, आपको H2 निकालना है। पहले क्या है, जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, जब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, ये क्या आएगा, फिनाइल यहाँ पर, ठीक है, फिनाइल यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद जो इसमें मैंने HClO4 डाला है, ये क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव, और जो ये वाला है पार्ट, ये क्या है, नेगेटिव पार्ट, ठीक है। अब क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, अभी देखो ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है यहाँ पर, अब इस इलेक्ट्रोफाइल को बैलेंस करने के लिए जो ये वाला पार्ट है ClO4 नेगेटिव, ये यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाता है। ये क्या करता है, इसमें कोई भी ऐसा कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता है, ये ऐसा आयनिक बॉन्ड यहाँ पर रहता है, ठीक है, ऐसा आयनिक बॉन्ड यहाँ पर रहता है। तो इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है, ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता, बट उस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, जो ClO4 नेगेटिव है यहाँ पर आया है यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए, तो इन कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, इन कंपाउंड्स को बोला जाता है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिटेल में बताया है एरोमेटिसिटी जो वीडियो थी उसमें,
तो एक बार उसको देख लेना जाके, ठीक है। अब इसमें भी देखो सेम काम करना है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करवाना। जब यहाँ से आप हाइड्रोजन रिमूव करवाओगे तो देखो क्या कंडीशन बनती है। तो कंडीशन ये बनेगी यहाँ पर, सेम चीज़ ही है, सेम कंसेप्ट है, ठीक है। एग्जांपल्स डिफरेंट है, यहाँ पर पॉजिटिव इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए क्या है, पॉजिटिव पार्ट, और ये पार्ट क्या है, नेगेटिव इस पॉजिटिव पार्ट को बैलेंस करने के लिए नेगेटिव पार्ट यहाँ पर आ जाता है। कोई कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है, क्या बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और इन बॉन्ड को, इसको कंपाउंड को क्या बोला जाता है, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। इनको बोला जाता है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये उतारी है, मैं नेक्स्ट करवाती हूँ आपको। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। जो फोर्थ है वो क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पे पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ इसका, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेम चीज़ DDQ लिया, ये क्या करेगा देखो, यहाँ पर क्या है, आपके पास हाइड्रोजन अवेलेबल है, ये यहाँ से जब हाइड्रोजन जाता है तो ये क्या करता है, यहाँ पर आर, ये सेम चीज़ है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज देखो क्या है, अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन है, मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन है किसके साथ अटैच है, किसी भी हेट्रो एटम के साथ, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, और ये मोर स्टेबल होती है, मोर स्टेबल होती है। और इस पे देखो अब मुझे क्या है, एक हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया, विदाउट बॉन्ड गया है, बट एक रह गया है जो जो क्या जाएगा, विदाउट बॉन्ड जाएगा। उसके बाद जो ऑक्सीजन होंगे, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन होगा ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर, इसको जो लोन पेयर है इसको दे देगा, जिसके कारण जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो बैलेंस हो जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर कौन सी बनती है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगी वो बनेगी इस टाइप से कुछ, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन में आपको पता ही है बॉन्ड है, और ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये क्या करता है, ये बॉन्ड अपनी तरफ ले लेता है, और अपने जो अपने खुद के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो क्या हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है, ये कार्बोनियल कंपाउंड, ठीक है, ये क्या बनता है, एक कार्बोनियल कंपाउंड। समझ में आई, इतना उतारिए। उसके बाद ठीक है, आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है, DDQ दिया हुआ है, आपको सेम चीज़ करनी है। यहाँ पर भी आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, यही सेम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल ही करना है। यहाँ से हाइड्रोजन गया, जब यहाँ से हाइड्रोजन जाता है तो क्या बनता है, देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, सेम चीज़ है। ये क्या करेगा, बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, जब ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होता है तो इस पर क्या बनता है, देखो ठीक है, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये इसको पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए अपनी तरफ ले लेता है, तो इसके हाइड्रोजन हट जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज हट जाते हैं और ये वाला कंपाउंड बनता है, ठीक है। ये क्या है, ये भी आर ग्रुप है कोई, ये भी आर ग्रुप है कोई, ठीक है। यहाँ पर बस एयरिंग आ गई, सिर्फ यही डिफरेंस है, इसको उतार लीजिए। देखिए दो जो एग्जांपल है ये भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है, सेम चीज़ है जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया है, आपको सेम वही अप्लाई करना है। यहाँ पर भी ये दोनों जो क्वेश्चन है दोनों सेम है, तो इसमें से दोनों एक मैं करवा देती हूँ और एक आपको खुद से करना है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें सेम चीज़ है, यहाँ पर क्या है, आपके पास हाइड्रोजन है और मैंने क्या डाला है, DDQ, दैट मीन्स यहाँ पे H2 निकलता है, एक जाएगा विद बॉन्ड एक जाएगा विदाउट बॉन्ड, सेम चीज़ है यहाँ पर। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, देखो मैं यहीं पे कर रही हूँ, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने के कारण जो ऑक्सीजन पर लोन पेयर है वो लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, जब ये लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट करते हैं तो देखो क्या बनता है, ठीक है,
कुछ ऐसी कंडीशन बनती है ऑक्सीजन पर क्या आता है पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो ये बॉन्ड है इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट होता है, जब इस पर शिफ्ट होगा तो ये क्या करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज है ये ख़त्म हो जाएगा और आपकी ये जो स्ट्रक्चर है ये बन जाती है। देखो ये भी आर है, ये भी आर है कार्बोनिल, यानी पीछे वाले में सेम चीज़ यही तो बनी थी, यहाँ पर आर बना था, ठीक है, ये भी क्या बनता है आपका कार्बोनिल, ठीक है, सेम चीज़ है। अब देखो ये एग्जाम्पल है, ये भी मैं ही करवा देती हूँ, सेम चीज़ है, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है, यहाँ से क्या निकलेगा हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसी पर मैं बता रही हूँ, यहाँ पर आके यहाँ पर देखो क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, अगर इस पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज तो इसके पास क्या है लोन पेयर्स, यहाँ पे लोन पेयर शिफ्ट हो जाएंगे, जब यहाँ पे लोन पेयर जब शिफ्ट होते हैं तो देखो क्या बनता है, यहाँ पर जब लोन पेयर शिफ्ट होते हैं तो इस टाइप का कुछ बन जाता है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इसके बाद जो इसका बॉन्ड होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का, ये इस पर ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा कार्बोनिल, ठीक है, तो ऐसे डबल बॉन्ड हो यहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो इसका इतना उतारिए, इसके बाद हम इसके जो एग्जांपल्स हैं वो करते हैं। देखिए जो दो एग्जांपल्स हैं ये हम डिस्कस करते हैं। देखो अभी एग्जांपल है, इसमें भी सेम वही है, आपको डीडीक्यू लगाना है, ठीक है, तो आपको इस एग्जांपल को देख के डरना नहीं है कि ये क्या कुछ आ गया, आपको कुछ नहीं डरना है, आपको सिर्फ पहचाननी क्या है एलाइलिक पोजिशन पहचाननी है या फिर बेंजाइलिक पोजिशन पहचाननी है, उसके बाद आपको एच टू रिमूव करवाना है वहाँ से, बस आपको ये काम करना है इसमें, ठीक है। अब इसमें देखो एलाइलिक पोजीशन कौन सी है, ये क्या है आपकी एलाइलिक पोजीशन, ये क्या है आपकी एलाइलिक पोजीशन, यहाँ से क्या जाएगा हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है, दो हाइड्रोजन हमें निकालने हैं विद बॉन्ड और विदाउट बॉन्ड, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन था, तो यहाँ से हाइड्रोजन मैंने जब निकाला, जब मैं यहीं पर कर रही हूँ, जब यहाँ से मैं हाइड्रोजन निकालती हूँ, अगर ये बॉन्ड लेके जाता है तो इस पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और एक हाइड्रोजन है वो क्या जाता है विदाउट बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन क्या गया जब विदाउट बॉन्ड गया अपने इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन को देके गया, तो इसे ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो अभी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया तो ये क्या करेगा इस पर अटैक कर लेगा और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट कर लेगा, ठीक है, उसके बाद बस हो गया, बाकी सारा कंपाउंड सेम रहेगा इस पर, तो इसलिए ऑर्गेनिक से डरते नहीं हैं, सिर्फ आपको पहचानना क्या है, जो मैंने आपको कंडीशन बताई है सिर्फ आपको वही देखनी है, आपको एलाइलिक पोजिशन और बेंजाइलिक पोजिशन चेक करके उसके बाद इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपकी बन गई स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपकी, ये आ गया आपका प्रोडक्ट, ये आपका आ गया आंसर, समझ में आई। इसके बाद ये सेम चीज़ यही है, ये तो बहुत इजी है। अभी देखो इस पर मैंने सेम डीडीक्यू लगाना है, ये भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ये जाएगा तो इस पर क्या आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड यहाँ पर जब शिफ्ट हो जाएगा तो इस पर क्या आएगा ठीक है ये आ जाएगा। तो देखो मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है डीडीक्यू क्या होता है, डीडीक्यू की एप्लीकेशन मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दी है कि कैसे कैसे आपको डीडीक्यू पहचानना है, आपको डीडीक्यू सिर्फ एलाइलिक पोजीशन और बेंजाइलिक पोजीशन को देख के ही करवाना होता है, आपको पहले देखो ये पूरी स्ट्रक्चर थी, इसमें आपको सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पता होनी चाहिए थी कि कौन सी है, उसके बाद कुछ नहीं है, आपको डीडीक्यू का वर्क पता है क्या होता है, उसके बाद मैंने सिंपल आंसर निकाल दिया है, सिंपल आप पूरी स्ट्रक्चर देख के मत डरिए कि जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है डीडीक्यू का सिर्फ वही आपको करना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ईजी थी ये एग्जाम्पल, ठीक है, थोड़ी सी ये डिफिकल्ट तो नहीं थी, बस इसमें आपको एलाइलिक बेंजाइलिक पोजीशन का ध्यान रखना था, ठीक है, तो मैंने आपको कंप्लीट डीडीक्यू के बारे में बता दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।